नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, प्रधानमंत्री मोदी जी की यही रीति है। अब इस रीत को जरा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हमने बहुत सारे कानून बदल दिए, लेकिन किन कानूनों को बदला गया मोदी सरकार में, उसको थोड़ा समझिए। उन्हीं कानूनों को बदला गया है जिन कानूनों से मोदी सरकार को तकलीफ हो रही थी, जिससे वो ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे थे, और उन्हीं कानूनों को बदले जिसके जरिए वो अपना वोट बैंक साध सकते थे, और उन सभी कानूनों को छोड़ दिया गया जिससे मोदी सरकार को ताकत मिलती है, जिससे वो अपने आलोचकों की आवाज को दबा सकते हैं। देशद्रोह का कानून, देशद्रोह का कानून यूं तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को आपको बताते हैं और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है उसको समझाते हैं। लेकिन ये चीज जान लीजिए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, वो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। खबर ये है, देशद्रोह के जिस कानून से अंग्रेजों ने गांधी जी को चुप कराने की कोशिश की, क्या हमें उसकी जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि देशद्रोह का वो कानून जिसकी आड़ में अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश करते थे, गांधी जी जैसे लोगों को चुप कराने की कोशिश किए, क्या आज हमारे देश में उस कानून की जरूरत है कि नहीं? यह सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज के पहले क्यों नहीं पूछा गया? मोदी सरकार आने के बाद ही यह सवाल क्यों पूछा गया? यह सवाल खड़ा होता है। यह पूरी खबर समझाते हैं आपको, फिर कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे, तब सारी चीजें आप समझ जाओगे कि कैसे मोदी सरकार इस कानून के आड़ में केवल अपने विरोधियों को, केवल अपने आलोचकों को दबाने का काम करती है। खबर देखिए, देशद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हमें उस कानून की अब भी जरूरत है जिसकी मदद से अंग्रेज ने महात्मा गांधी को चुप कराने की कोशिश की, क्या 75 साल के बाद भी इस देशद्रोह के कानून की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, यह वही कानून है जिसका इस्तेमाल अंग्रेज गांधी जी को चुप कराने के लिए करते थे। क्या आपको लगता है कि अभी भी इस कानून की जरूरत है? बता दें कि सेना के पूर्व अधिकारी ने देशद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यह कानून लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात करता है और लोगों की अभिव्यक्ति के में बाधा उत्पन्न करता है, जो कि लोगों का मौलिक अधिकार है। यह इस याचिका में बात कही गई थी कि सरकार इस कानून के जरिए उन लोगों के आवाज को दबाने की कोशिश करती है जो सरकार के खिलाफ होते हैं, जो सरकार की आलोचना करते हैं, और अभिव्यक्ति की आजादी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसको दबाने का काम किया जा रहा है, नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इस याचिका में इस बात को कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और पुख्ता कर दिया ये कहते हुए कि क्या आज भी हमें इस कानून की जरूरत है। अब आंकड़ों पे बात करते हैं, कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को समझिए और इन आंकड़ों के बाद समझ पाएंगे कि कितनी क्रूर तरीके से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने आलोचकों को दबाने के लिए। 6 सालों में दिशा रवि जैसे 569 लोग देशद्रोह के आरोप में हुए गिरफ्तार, पर सजा केवल 10 को मिली। ये नंबर देखिए आप, 569 लोग में मात्र 10 लोगों को सजा मिली। परसेंटेज की बात की जाए तो 2 से कम% ये बनता है। 2% से भी कम लोगों को सजा मिली है देशद्रोह के कानून में। इससे साफ साबित हो जाता है कि मोदी सरकार केवल अपने आलोचकों की आवाज दबाने के लिए इस कानून का प्रयोग करती है। टूलकिट केस में गिरफ्तार लोगों पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह की धाराएं लगाई। इस केस में कितना दम है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन ऐसे मामलों में अब तक सजा की दर अच्छी नहीं रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है, वर्ष 2019 की बात करें तो ऐसे केसों में देशद्रोही
दर महज 3.3% रही है। 2019 में जिन लोगों के ऊपर केस चलाया गया था देशद्रोह का, मात्र 3.3% लोगों को ही सजा मिल पाई है। आगे बढ़िए, खास बात यह है कि पिछले 4 से 5 वर्षों के दौरान देशद्रोह या राजद्रोह के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में देशद्रोह के 47 केस दर्ज हुए थे, वहीं 2018 में यह आंकड़ा 70 पहुंच गया, जबकि 2019 में ऐसे केसों की संख्या 93 रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने होते हैं। कई बार जल्दबाजी में केस तो दर्ज हो जाता है, मगर बाद में उसे अंजाम तक पहुंचाने की राह मुश्किल होती है। कोर्ट के समक्ष आरोप साबित नहीं हो पाते तो केस खत्म हो जाएगा। टूलकिट केस में जांच एजेंसियों को इस्तेमाल देखना होगा। ये बहुत संभल कर रखे जाने वाला कदम है। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं, चाहे दिल्ली दंगे की बात हो, चाहे किसान आंदोलन हो, हर जगह ये बात साबित हो चुकी है कि कैसे मोदी सरकार अपने आलोचकों की आवाज़ दबाने के लिए देशद्रोह जैसे कानूनों का उपयोग करती है। चाहे वो साफुरा जरगर हो, सिद्धिक कप्पन हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दोष पाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस ही नहीं बनता और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया गया। ऐसी खबरें कई सारी निकल के आई हैं, लेकिन अभी भी इस कानून का बदस्तूर दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। तो ये कब तक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछकर ये साफ कर दिया गया है कि अब आने वाले समय में इस कानून की कुछ खास जरूरत नहीं रहने वाली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।